नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल काजल की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लौकी के स्नैक्स बनाएंगे। लौकी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है और खाने में बहुत लाइट होती है और इसे पचाना भी बहुत आसान होता है। लौकी के स्नैक्स बनाने के लिए मैंने ली है लौकी 400 ग्राम, उसे हमने ग्रेट कर लिया है। बेसन 1 कप या 4 टेबल स्पून, सूजी 1/4 कप, अदरक 1 इंच टुकड़ा ग्रेट की हुई, हरी मिर्च 1 बारीक कटी हुई। कुछ मसाले लिए हमने, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, नमक 1 चम्मच या स्वाद अनुसार, अजवाइन 1/4 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, सरसों 1/2 चम्मच, हींग 1 पिंच, नींबू का रस 1 चम्मच, तेल 2 टेबलस्पून। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। लौकी के स्नैक्स बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। सबसे पहले इसमें मैं लौकी डाल रही हूँ। अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। अब मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें अदरक और हरी मिर्च डाल रही हूँ। इसे हम मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे ढंग से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ, एक एक करके मसाले डाल रही हूँ, अजवाइन, नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सूखा धनिया पाउडर। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब मैं इसे ढककर छोड़ रही हूँ और अब हम इसे पकाने की तैयारी कर लेते हैं। बैटर को पकाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है, उसमें 1 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें सरसों डाल रही हूँ। हमारी सरसों चटकने लगी है। अब मैं इसमें हींग डाल रही हूँ और जीरा डाल रही हूँ। इसे कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे। हमारा जीरा भुन गया है। अब मैं इसे बैटर को इसमें डाल रही हूँ और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। हम बैटर को लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक पका लेंगे। मिनट हो गए हैं। हमारे बैटर में से मॉइस्चर खत्म हो गया है। ये पककर तैयार हो गया है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा बैटर ठंडा हो गया है। अब मैं इसे ग्रीस किए हुए बर्तन में डाल रही हूँ और इसे हम फैला लेंगे। मैंने बैटर को ट्रे में अच्छे से फैला लिया है। अब मैं एक प्लेट की मदद से इसका लेवल कर रही हूँ। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। 1/2 घंटा हो गया है। हमारा डो सेट हो गया है। अब हम इसे चाकू की मदद से किनारों से अलग करेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इस बर्तन को धीरे धीरे बाहर निकाल लेंगे। मैंने इन्हें पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इन्हें शैलो फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। तेल गरम हो गया है। अब मैं इन पीसेस को इसमें रख रही हूँ।
जब ये एक तरफ से पक जाएंगे तो हम इन्हें पलट देंगे और दूसरी तरफ से पका लेंगे। हमारे स्नैक्स पक गए हैं, अब मैंने एक प्लेट में निकाल रही हूँ। ऐसे ही हम बाकी के बचे हुए स्नैक्स को भी शैलो फ्राई कर लेंगे। हमारे बहुत ही टेस्टी लौकी के स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं, अब मैंने आपको सर्व करके दिखाती हूँ। हमारे बहुत ही टेस्टी लौकी के स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब एक नई रेसिपी के साथ।